हेलो स्टूडेंट, आई एम निहाल यादव फ्रॉम महाराजगंज। बोर्ड एग्जाम को बेहतर बनाने के लिए मैंने समय के अनुसार आपके कोर्स को शुरू कर दिया है। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन। हेलो दोस्तों, मैं हूं निहाल यादव और स्वागत करता हूं आप सभी का जीपीएल अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम लोग डिप्लोमा सेकेंड सेमेस्टर में हम लोग पढ़ेंगे समाकलन चैप्टर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर में फर्स्ट के समाकलन में पार्ट थ्री पीट पढ़ने वाले हैं। इसके पहले पार्ट वन पार्ट टू का डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, जाकर आप वहां से पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं। इस वीडियो में भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे, तो बट उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं? क्या तेरे हौसले की वार की, क्या तेरे हौसले की वार से रुकावट की दीवार जरूर गिरेगी, क्या तेरे हौसले के वार से रुकावट की दीवार जरूर गिरेगी, तुम देख लेना बाबू, तुम देख लेना बाबू, सफलता एक दिन जरूर मिलेगी, सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। तो इसी मोटिवेशन के लाइन के शुरुआत करते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बातें करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 5/sin²x (cos²x dx। तो चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, तो क्या करें हम दोस्तों, इस 5 को हम लोग सबसे पहले बाहर लिख लेते हैं। लिख देंगे हम लोग 1/sin²x (cos²x dx। इस 5 को हम लिख देंगे यहाँ पर। अब बताइए फ्रेंड, 1 को हम लोग लिख सकते हैं, आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा sin²x + cos²x = 1। आप लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा होगा, क्लास 9-10 में पढ़ा होगा आपने ये फार्मूला। तो हम लोग सबसे 1 के जगह लिख देते हैं, हम लोग 1 के पास लिख देते हैं हम लोग sin²x + cos²x / sin²x (cos²x dx। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। हम लोग आगे लिखते हैं, हम लोग देखते हैं क्या है। अब देखिए ना, इसे क्या कर लेंगे, अब ये जो यहाँ प्लस है तो हम इसको अलग अलग कर लेते हैं। इस 5 को हम लोग यहाँ बना देते हैं कुछ तक, 5 हो गया हमारे बाहर। यहाँ हो गया इंटीग्रेशन sin²x / sin²x (cos²x dx) + इंटीग्रेशन cos²x / sin²x (cos²x dx। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब देखिए यहाँ पर sin²x कैंसिल, यहाँ देखिए cos²x कैंसिल। अब हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर, कोष्टक बना देंगे हम लोग। ये 5 है, 5 को यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ बनाएंगे हम लोग कोष्टक एक, यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेशन, यहाँ क्या बचेगा हमारा 1/cos²x dx + यहाँ बनाएंगे इंटीग्रेशन, यहाँ बचेगा 1/sin²x। क्या मिलेगा हमें? sin²x dx। ओके कोष्टक, ओके स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 5। अब हमने क्या करेंगे, बनाएंगे इंटीग्रेशन, कॉस कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो जाएगा हमारा sec²x dx या प्लस, ये साइन ऊपर जाएगा हमारा मिलेगा cosec²x dx कोष्टबन। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग आगे करते हैं, सिंपल है, केवल स्टेप फॉलो करते जाओ बस। sec²x, अब हम लोग लगाएंगे sec²x का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x + cosec²x का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉट एक्स, तो माइनस का कॉट एक्स इंटीग्रेशन खत्म करने के बाद क्या होता है, सी ऐड करते हैं, आगे हल करते हैं हम लोग इसे 5, ये हमारा हो जाएगा 10x, ये प्लस ये प्लस ये माइनस, तो क्या जाएगा हमारा माइनस का कॉट एक्स, ये जाएगा प्लस सी। आई होप कि आपको यहाँ ये क्वेश्चन ईजिली हमें समझ आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जानते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन है यार, जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं यार इजी क्वेश्चन आते हैं डिप्लोमा में, मैं देख चुका हूँ बार बार, यही देख रहा हूँ कि डिप्लोमा में बार बार क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन उठाए जाते हैं, और आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करो तो क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं होता। क्या sin²x dx ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है 2017 में, 2018 में, हम बता दें 2022 में भी पूछा जाएगा। क्या 2022 में भी पूछा जाएगा? 2017-18 में पूछा गया, 2022 में भी पूछा जाएगा। तो यार क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख देना, मैं भी यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ, आप लोग यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लेना।
तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। मैंने फर्स्ट में बताया वन को क्या लिख सकते हैं हम लोग, वन को लिख दो यार साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस इस साइन टू एक्स, साइन टू एक्स का फार्मूला दो टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये फार्मूला आप लोग जानते होंगे। यहाँ है अंडर रूट लगा दें यहाँ पर इंटीग्रेशन यहाँ डी एक्स। ओके स्टूडेंट खत्म खत्म यार दिख रहा है। अब इसे हम लोग लिख सकते हैं, देखो इसे मान लो ए तो ए हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हमारा हो गया बी तो यह बी स्क्वायर प्लस ये हमारा टू है टू साइन का माना ए तो ए हो गया, यहाँ कास को मैंने माना बी, तो ये किसका फार्मूला दिख रहा है यार ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। तो सेम उसी तरह हो जाएगा इंटीग्रेशन अंडर इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यहाँ जाएगा हमारा डी एक्स। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा, यहाँ तक समझ आ गया होगा, यहाँ हो जाएगा हमारा होल स्क्वायर जैसे यहाँ पर होल स्क्वायर है। ओके अब देखो जब ये अंडर रूट से बाहर जाएगा तो केवल हमें एक मिलेगा, बस क्या मिलेगा केवल हमें एक मिलेगा, तो इंटीग्रेशन यहाँ लिखता हूँ इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब हम यहाँ पर हल कर लेते हैं, इसे हम लोग क्या लिख देंगे हम लोग इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स प्लस अलग अलग कर दो यार यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स, साइन एक्स का अवकलन कौन हो जाएगा सॉरी साइन एक्स का समाकलन माइनस का कॉस एक्स, कॉस एक्स का समाकलन प्लस का साइन एक्स प्लस सी। अब लोग साइन एक्स को पहले लिख लेते हैं, यहाँ हो जाएगा प्लस में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो आई होप क्वेश्चन नंबर टू भी आपको समझ आया होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं हमारा क्या है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड ये रहा। सो फ्रेंड क्वेश्चन थर्ड को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है हमारा, इंटीग्रेशन ई पॉर एक्स लॉग बेस ई ए प्लस ई पॉर ए लॉग बेस ई एक्स प्लस सी प्लस सॉरी प्लस ई लॉग पावर ए लॉग बेस ई प्लस ए सॉरी। ओके स्टूडेंट तो आपको इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन करना है। क्वेश्चन ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैं बता दूं आपको, क्वेश्चन नंबर ये आपको 2018 मिला था 2019 में मिला था, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है और आपको भी लगना चाहिए, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराने वाला हूं। तो चलिए इसे इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेशन यहाँ लिखेंगे हम लोग, आपको बता दें ये यहाँ पर x है, इसके x को मैं उठाकर यहाँ कर देता हूँ। आप लोग लॉगरिथम फार्मूला अपने इंटेंस में पढ़ा होगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा e पावर log e a पावर x प्लस e पावर log ये e इसके पावर पे चला जाएगा, यहाँ हो जाएगा बेस में e है x पावर a प्लस e log e a पावर यहाँ पर a पावर a हो जाएगा कोष्टक यहाँ हो जाएगा डी एक्स। अब दोस्तों आपको बता दूं अगर बेस में अगर यहाँ पर बेस में ई है और यहाँ पे ई है यहाँ ई है यहाँ ई है यहाँ ई है यहाँ और यहाँ टेन होता टेन होता टेन 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 होता तो सिंपल क्वेश्चन क्या बता दूं ये आपको इसको अपने यहाँ लिख लेते हैं जो यहाँ इसके पावर में होता है उसी उसी में यहाँ लिखते हैं और ये सेम है यानी कि पावर पे पावर जिसके पर पावर है वह और जिसका जो लॉग में जो बेस है वह अगर सेम है तो उसके आधार वाले को लिख लेते हैं यानी कि इसको हम लोग लिख लेते हैं क्या इंटीग्रेशन e पावर x ये रूल होता है लॉगरिथम का प्लस ये हो गया हमारा x पावर a प्लस a पावर a dx। अब हम लोग क्या करेंगे इसे अलग अलग करके इंटीग्रेट कर देंगे तो dx फिर हमारा बता दो यहाँ पर क्या हो जाएगा x टू दी पावर a dx ये हमारा हो जाएगा a पावर a dx। हम लोग आगे कर सॉल्व करते हैं, ये हमारा ए पावर एक्स यहाँ क्या करेंगे हम लोग ए पावर एक्स का फार्मूला लगा देंगे, तो ए पावर एक्स का फार्मूला होता है ए पावर एक्स अपॉन लॉग ई यहाँ हो जाएगा ए प्लस यहाँ क्या हो जाएगा हमारा सॉरी एक्स ए नहीं होगा एक्स होगा एक्स टू द पावर ए प्लस वन ये क्या हो जाएगा हमारा ए प्लस वन प्लस यहाँ देखिए इसके साथ एक्स नहीं है तो क्या हमारा हो जाएगा बाहर हो जाएगा सॉरी यहाँ होगा ए बाहर हो जाएगा ए इसका मैंने डीएस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा निकालें तो एक्स होगा यहाँ प्लस सी तो हम लोग इसे सही कर से लिख देते हैं हम लोग ए पावर एक्स हो जाएगा ए पावर एक्स लिख दिया मैंने और ये हमारा हो जाएगा लॉग ई ए प्लस ए पावर सॉरी सॉरी फ्रेंड एक्स टू द पावर ए प्लस वन अपान ए प्लस वन प्लस
एक्स इंटू ए पावर ए प्लस सी हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ आएगा। मैंने इसको वीडियो में 3 क्वेश्चन बताया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जानते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग पढ़ लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर फोर में बताता हूँ आपको फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये क्वेश्चन आपको मिला था 2009 में और 2010 में। तो क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और इस क्वेश्चन को लोग सॉल्व करते हो। सिंपल है क्वेश्चन, आपको फार्मूला दिख रहा है सीधा सीधी। इस क्वेश्चन कर दो यार, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इसे कर दो यार कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। सिंपल, सेक स्क्वायर एक्स का फार्मूला होता है हमारा टेन एक्स। कितना ए जी यार, ये क्वेश्चन हमारा होगा कोसेक स्क्वायर एक्स का होता है हमारा कॉट एक्स, इसका नहीं दो प्लस सी। तो क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी इजी था। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, नेक्स्ट वीडियो में देखिए। बाय बाय, जय हिंद।